आज की वीडियो में, इस वीडियो में आप लोग जाना है या नहीं जाना है तो थोड़े हाईलाइट्स में आपको दिखाने वाला हूँ। ये है टॉर्टोइस का पॉन्ड है, बहुत सारे 30 से 50 टॉर्टोइस इस पानी में रहते और एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट्स है यहाँ पे बहुत ही सारे। आप आराम से एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकते, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक, एकदम केरला आउट ऑफ कंट्री के टाइप। और यहाँ पे लोहे के बने हुए स्ट्रक्चर्स, यानी जैसा टॉर्टोइस है, रैबिट है, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप बोटिंग करना है तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं विथ ब्यूटीफुल लेक के साथ, आप जो देख रहे हो। सो ये प्लेस कहाँ पे है बोले तो आप टेंशन मत लो, अपना हैदराबाद का प्लेस है ये। ये है प्लेस इंदिरा पार्क है। सो हम लोग गए यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ इंदिरा पार्क में। सो बहुत ही बड़ा पार्क है ये, अपना हैदराबाद में इतने साल से मैं पहली बार गया यहाँ पे। सो बहुत ही बड़ा पार्क है ये, 1978 में ओपन हुआ और अपने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद ओपन करे 1978 में। और ये 76 एकर्स में है ये लैंड पूरा। सो टिकट है 10 रुपीज है पर हेड बड़ों को, और बच्चों को 5 ईयर से अंदर वाला फ्री है, 5 से 2 वालों को टिकट है 10 रुपीज ओनली। सो ये हुसैन सागर के पास बाजू में इंदिरा पार्क के धोमलगुड़ा के एरिया में आता, और ये HMDA वाले के अंडर में पार्क है, गवर्नमेंट के अंडर में, और टिकट प्राइस है 10 रुपीज है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लेक है यहाँ पे एकदम, आप बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे आराम से फैमिली के साथ पिकनिक के टाइप, बहुत ही सारे झाड़ा है यहाँ पे, पिकनिक बना सकते हैं। और गेम्स भी है, और क्रिकेट और दूसरे गेम्स भी, बच्चों के वास्ते भी गेम्स है यहाँ पे, झूले और बहुत सारे यहाँ पे, और एक्सरसाइज करने के भी आप स्टार्टिंग में आप देखे होंगे हाईलाइट्स में। सो यहाँ पे एक्सरसाइज करने के भी ये इक्विपमेंट्स है, यहाँ पे आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। सो बहुत ही बड़ा है, बहुत तकरीबन 1 आवर हुआ जस्ट देखने के लिए, तो हम वहाँ कहीं भी नहीं बैठे, जस्ट देखे और इंदिरा पार्क कैसा है क्या है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे लोहे के बने हुए सो और अपने एनिमल्स के स्टैटिस बना के है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। सो ये है लेक एकदम केरला के टाइप है, अतराफ बड़े झाड़ा है नारियल के, और बोटिंग का फैसिलिटीज भी है यहाँ पे, उसको अलग से टिकट लगेगा। सो बहुत ही अच्छा एकदम केरला आउट ऑफ स्टेशन के जैसा लुक दिख रहा। सो ये कहीं में नहीं, अपना हैदराबाद का ही व्यू है। सो आप फैमिली के वास्ते, बच्चों के वास्ते बहुत ही बेस्ट प्लेस है, बट बहुत ही बड़ा है, आप पूरा एक घिरने के वास्ते पैरों तो दर्द होते हैं, गाड़ियाँ नॉट अलाउड है। सो पार्किंग फैसिलिटीज भी है, तो बाइक्स के वास्ते है, कार का पार्किंग थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आई थिंक बैक साइड में कर सकते हैं। और एक गेट भी है, सो हम लोग मेन गेट से अंदर गए तो बाइक के लिए पार्क है। तो कारों के वास्ते थोड़ा बैक साइड में एनटीआर ग्राउंड के पास आई थिंक वहाँ पे पार्क कर सकते। सो ये है, देखिए आप देख सकते हैं ये पूरे लोहे से बना है। सो हर एक एक का ये एनिमल का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के है, लाइक टॉर्टोइस का, रैबिट का और मक्खी का और बहुत सारे यहाँ पे बना है। सो अभी देखते हैं टॉर्टोइस का लुक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल बना है, जो भी बना है इसका आइडिया बहुत ही अच्छा था। सो ऐसे ही बहुत सारे है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे बना के, स्टैट्यू से भी पूरे लोहे के ऐसा नट नटा बोल्ट ऐसा बनाए। सो है आप देख सकते हैं, सो बहुत ही अच्छे से बनाए, बहुत ही अच्छा दिखा। और ये देखिए अभी बिच्छू है, ये एकदम डिजाइन भी जबरदस्त बनाए, बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल फैमिली के वास्ते और कपल्स के वास्ते, फ्रेंड्स के वास्ते बहुत ही अच्छी प्लेस है, टिकट भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ओनली 10 रुपीज है। और ऐसा टाइमिंग बा सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक फ्री है ओनली वॉकिंग के लिए, उसके बाद 8 बजे के बाद आपको टिकट लगेगा। और 1 आवर रहना है अंदर, 2 आवर रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके हिसाब से रह सकते हैं। शाम के 6 बजे क्लोज हो जाता है। इसके बाद आते हैं अपन पंचतंत्र पार्क है यहाँ पे। सो ब्रह्मा जी मुड़ू ऐसा को जो कांटों के जो झाड़ा रहते हैं यहाँ पे है, जो पहले अपन स्कूल्स के उसमें सब्जेक्ट्स में देखे होंगे। सो उसके बाद आप ये आता है यहाँ पे, और ये कबूतरंग का स्पॉट भी है, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डबल रोटी दाल वही ला के डालते रहते। सो ये है पंचतंत्र पार्क का व्यू, ये है।
तो इसका टाइमिंग भी है 7 to 10 AM, 5 to 7 PM। ये है पंचायतपुरी, ब्रह्मा जमड़ू, नागा जमड़ू, समथिंग नामा रहते हैं ये अपने साइंस सोशल में से पढ़े हुए सो है, आप भी आई थिंक आपको याद आया होगा। सो प्लेस तो बहुत ही ज्यादा है, आप नारियल के झाड़ देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है पार्क भी। सो आप एक स्पॉट देख लेके वहां पे बैठ के आराम से खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो ये बहुत ही मोमेंट अच्छा था, ये आप देख सकते हैं कैसा अच्छा से ब्यूटीफुल बिस्किट डबल रोटी खा रहे हैं, स्क्वायर ये लेक है ये। सो बहुत ही अच्छा है लेक, एकदम अतराफ नारियल के झाड़ा, एकदम केरला का व्यू दिख रहा था। यहाँ पे बोटिंग स्पेशल फैसिलिटी भी है, आप आराम से बोट भी कर सकते हैं अगर उसके अलग से चार्जेस है तो, आराम से एक आदमी या दो आदमी, स्पीड बोट है, नॉर्मल बोट है, 100 बोट है यहाँ पे, उसके अलग अलग प्राइसेस से रहते हैं तो उस हिसाब से आप बोटिंग कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा है प्लेस ये। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेस के बारे में, वो है गेम्स के, आई मीन सॉरी, वर्कआउट करने के इक्विपमेंट्स और एक्सरसाइज करने के। तो ये है सीताफल से बना हुआ सो चेयर, वो भी पत्थर से बना है सो है सीमेंट के। सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज करने के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो एक एक अपन भी एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज वर्कआउट करने के यहाँ पे मशीन्स है, सो आराम से आप लोग कर सकते हैं, मॉर्निंग आवर्स या इवनिंग जब भी आए यहाँ पे आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो प्लेस भी बहुत ही बड़ा है और कर सकते हैं। सो अपन एक एक करते हैं, एक दो तीन जरा वर्कआउट आई इसको वर्कआउट कर लेते हैं। सो 2-3 किलो उतर गया, मैं उतर गया है, तो दो मारा वो आदत है सबको, आराम से हो जाता। ये पेट कम होने के वजह से जबरदस्त सा एक्सरसाइज है, घर में लाके रखना बोलता हूँ मैं। सो अलग अलग ऐसी चीज थोड़े बहुत मैं ट्राई करा, ताकि ये भी है जब जैसा अपने मशीन में वो घर पे भी रहते जैसा वॉकिंग करने का। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आराम से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में आता है टोर्टोइस का पॉन्ड। सो यहाँ पे एक छोटा सा पानी में है बॉडी के जैसा है। सो इतने इसमें इतने सारे टोर्टोइस है, आप पूछो मत, मैं गिना तो 30 40 तक 30 तक तो ऊपर ऊपर ही थे, अंदर भी ऐसा तीर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे टोर्टोइस है आप देख सकते हैं। तो आप टोर्टोइस देखना है तो आप आराम से यहाँ पे आके देख। सो बहुत ही छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े टोर्टोइस इसमें पानी में आपको देखने को मिल जा रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा था। सो फ्रेंड्स ये था इंदिरा पार्क का रिव्यू एंड अपडेट उसके बारे में। सो आई होप आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे शेयर करते हैं। और आप लोग भी ज़रूर जाइए फैमिली के साथ पिकनिक, और दसरा के से हॉलीडेज भी मिले बच्चों को, बच्चों को भी बहुत ही एंजॉयमेंट हो जाता है टोर्टोइस देख लेते हुए, गेम्स खेल लेते हुए, और बहुत ही अच्छे से पिकनिक मना सकते हैं। फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे शेयर करते हैं, जब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।